Okay friends, so now you take your question number 5b. Question number 5b of standard costing. What is the history of this question? ये exam में 2 से 3 बार past exam में पूछा हुआ है और same question आपके old जो module था Scmpe का उसमें भी आपको दे रखा था right? ये question right? लेकिन उस time क्या इन लोगों ने एक mistake कर रखा था जो old question है या old exam में जो पूछा है वो एक question दे रखा था मतलब एक question में एक mistake दे रखा था यहाँ पे इन लोगों ने question में लिखा है एज्यूम सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरियंस इज जीरो बराबर ये जो पॉइंट है वो वहां पे नहीं दे रखा था राइट ओल्ड पास्ट एग्जाम में या ओल्ड मॉड्यूल में नहीं दे रखा था फिर भी इंस्टीट्यूट क्या करता था सॉल्व करने के टाइम पे वो लोग उसको जीरो एज्यूम कर लेते थे तो बच्चे लोग काफी कंफ्यूज होते थे कि सर हम लोग ऐसे कैसे एज्यूम कर लें जीरो मैंने कई बार लाइक यू नो दैट उस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था ओके तो वी शुड से थैंक यू टू ICI कि उन्होंने ये करेक्शन कर दिया और नाउ द क्वेश्चन इज बिकम्स वेरी वेरी इजी ओके तो आप जरा देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है आराम से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए स्टार लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मार्केटिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स ABCD आर द जोनल सेल्स ऑफिसर चार जोनल सेल्स ऑफिसर है आपके पास जोनल सेल्स ऑफिसर है आपके पास दिस इज ए दिस इज B, this is C and this is D. A, B, C and D. Star Limited is engaged in marketing of wide range of consumer goods of A, B, C, D are the general sales officer and the company fixes annual sales target for them individually. Okay. You are furnished with the following information. The standard cost of the sales target in respect of A, B, C, D are 582, 250, 450, 500, 493,000, 535,000, 500 respectively. A, B, C, D respectively earn 40,800, 32,400, 35,520 and 38,700 as a commission at 6% on actual sales effected by them during the previous year. The relevant variance as computed by the qualified cost accountant are as follows. Sales ka price variance hai, sales ka volume variance hai, sales margin mix variance hai. Assume sales margin quantity variance is zero. Now this is very important. Sales margin quantity variance is zero. Sales margin quantity variance is zero. Compute the amount of sales target fixed and the amount of margin earned in case of each of the journal sales officer. Find whose performance is the best by taking 3 relevant factors. Pehla apne se pucha hai, compute the amount of sales target fixed. Theek hai? Ab agar aapko mera format yaad hai, toh friends aap fatak se nikal sakte hain. What is the sales टारगेट फिक्स और ये मैंने सब सॉल्व करके अपने फॉर्मेट में पूरा दे रखा है तो यू प्लीज टेक द प्रिंट आउट एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चन पहले आप प्रिंट आउट ले लीजिए एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चन सही आंसर ऑफ परफेक्टली क्लियर ओके आप जरा देखिए 5B दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5B okay compute the amount of sales target fixed it means statement showing sales target fixed It means showing sales target fixed. It means this is your budgeted sales minus अगर अपन करते हैं actual sales अपने को क्या आ जाएगा variance
बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स अपने को क्या मिलेगा वेरियंस. एक्चुअल सेल्स के लिए यू रिफर योर नोट नंबर वन. दिस इज योर ए बी सी एंड डी. इसके दो पार्ट सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, ये आपका सेल्स प्राइस वेरियंस ए बी सी डी ए बी सी डी. इफ यू गो बाई दिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और 10 में से 10 मार्क्स आपको आराम से मिलेंगे. हम लोग कर रहे थे फ्रेंड्स, सबसे पहले दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग सेल्स टारगेट फिक्स्ड, इट मींस योर बजटेड सेल्स एक्चुअल सेल्स आपको क्या आएगा वेरियंसेस फॉर सेल्स, इट मींस ए बी सी डी, दिस इज ए बी सी डी, दिस इज ए बी सी डी. And this is your note number one. Okay, अब आप आ जाइए सेल्स प्राइस वेरियंस आपको दे रखा है 6,000 फेवरेबल 8,000 एडवर्स 7,000 एडवर्स 5,000 एडवर्स सेल्स वॉल्यूम 11,000 एडवर्स 18,000 फेवरेबल 19,000 फेवरेबल 20,000 फेवरेबल. So this comes to your 11,000 adverse minus 6,000 favorable आपका मिल के आएगा 5,000 adverse. It means 11 adverse 6 favorable मिलके 5,000 adverse. Then 18,000 favorable minus 8,000 is 10,000 favorable. Then 19,000 favorable minus 7,000 adverse is 12,000 favorable. 20,000 favorable minus 5,000 adverse is 15,000. सही है सर, इट मीन्स 11,000 एंड 6,000 मिलके ये हो गया 18,000 फेवरेबल 8,000 एडवर्स 10,000 फेवरेबल 19 फेवरेबल 7 एंड दिस इज 12 25 एंड यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. अब आप आ जाइए खूब वेरी सिस्टमेटिक राइट. नाउ यू रिफर नोट नंबर वन. So this is your note number one. What is note number one? It means your commission divided by 6%. आपको क्या आ जाएगा? Actual कमीशन डिवाइडेड बाई 6% आपको क्या आ जाएगा एक्चुअल सेल्स. इट मीन्स ए व्हाट इज द कमीशन 40,800 6 इंटू 100. देन यू गो टू बी, बी में आपका क्या है 32
400, 600, then C 35 520 35 520 6 into 100 and 38 706 into 100. 40,800 divided by 0.06. This comes to 6,80,000. 32,400 divided by 6 into 100. 5,40,000. Then 35,520 divided by 0.06. 5,92,000. And 38,700 divided by 0.06 is 6,45,000. 1, 2, 3, and 4. इसका मतलब आपका एक्चुअल सेल्स आ गया 6,80,000, 5,40,000, 5,92,000 एंड 6,45,000. मतलब कमीशन को हम लोगों ने 6% से डिवाइड कर दिया. उसने क्या बोला है, ए बी सी डी. सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली अर्न ए कमीशन ऑफ 48,800, देन 40,800, 32,400, 35,520 एंड देन 38,700, विच इज 6% ऑफ द सेल्स, 6% ऑफ द एक्चुअल सेल्स. ये आपका आ जाएगा टोटल. Yeah, this is your what is it? Actual sales. What is your actual sales? If this is your actual sales, okay. So what is your actual sales is 6,80,000. What is the actual sales? 5,40,000. Let's see, there are 680, 540, 592. 592 and 645. Okay, now 680 और 5,000 एडवर्स बोल रहा है, इसका मतलब अपन ने बजटेड सेल्स सोचा होगा 685. हम लोगों ने सोचा था 685, एक्चुअल में सेल्स हुआ 680, इसके लिए वेरिएंस 10,000 फेवरेबल, इसका मतलब क्या सोचा होगा 5,30,000, एक्चुअल में 5,40,000 फेवरेबल, इट मीन्स 592 माइनस 12 इज 5,80,000 एंड देन 645 लेस 15 इज 6,30,000. इट मीन्स योर बजटेड सेल्स इज 685, 530, 580 एंड 630. परफेक्टली क्लियर है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5B. ओके, तो पहला पार्ट आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5B पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 5B पार्ट 1, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टारगेट फिक्स्ड. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टारगेट फिक्स्ड एंड द एक्चुअल मार्जिन अर्न्ड. सेल्स टारगेट फिक्स्ड, इट मीन दिस इज योर आंसर नंबर 1 एंड पार्ट 1. सेल्स टारगेट फिक्स, इसका मतलब हमारा बजटेड सेल्स, ये हमने टारगेट फिक्स किया था सेल्स का, ये हमारा टारगेट फिक्स हुआ था सेल्स का. ये बजटेड सेल्स, एक्चुअल सेल्स हमने कमीशन से निकाला, ये वेरियंसेस आ गए और ये वेरियंसेस के दो पार्ट, वेरियंसेस के दो पार्ट हो जाएंगे, ये आपको दे रखा है. सही है, सुनो. नाउ एक्चुअल अमाउंट ऑफ मार्जिन अर्न्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मार्जिन अर्न्ड. ओके, नो 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 इशू, वापस जाइए.
actual amount of margin on. Okay, above it means this is your statement showing actual amount of margin. Statement showing actual amount of margin, it means your budgeted margin minus your actual margin equal to variance. A, B, C, D के दो पार्ट, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन प्राइस. A, B, C, D. A, B, C, D. Okay. और वॉल्यूम के दो पार्ट हो जाएंगे, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम. वॉल्यूम के दो पार्ट हो जाएंगे, दिस इज योर सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम और सेल्स मार्जिन मिक्स. सेल्स मार्जिन मिक्स ए बी सी डी. A, B, C, say it. Sales margin mix. Okay, अब देखिए आप mix में अपने को दे रखा है 10,000, 750 adverts, 5,000, 500 favorable, 12,000 favorable and 9,500 adverse. Okay. और ये सब वॉल्यूम जो क्वांटिटी वेरियंस है, क्वांटिटी वेरियंस है वो आपको दे रखा है जीरो. क्वांटिटी वेरियंस आपको क्या दे रखा है? जीरो. सही है सर. इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम वेरियंस है वो क्या हो जाएगा? It means 10,000, 750 adverse. ये आपका 10,000, 750 adverse, 5500 favorable, 5500 favorable, 12,000 favorable, 9500 favorable, 12,000 favorable and 9,500. Okay. सेल्स का प्राइस मैंने आपको कई बार क्रैश कोर्स के टाइम पे भी मैंने आपको कितनी बार समझाया था, सेल्स का प्राइस वेरियंस एंड मार्जिन का प्राइस वेरियंस हमेशा क्या रहेगा? सेम. इसका मतलब 6,000 फेवरेबल, 8,000 एडवर्स, 7,000 adverse and 5,000 adverse. ओके, इससे आपको क्या आ जाएगा? टोटल वेरियंसेज आपको पता चल जाएगा, राइट? टोटल वेरियंस आपका आ जाएगा, इट मीन्स 10,750 माइनस 6,000, 4,750 एडवर्स, 4,750 एडवर्स, देन 5,500 फेवरेबल माइनस 8,000 एडवर्स, इट मीन्स 2,500 एडवर्स, देन 12,000 माइनस
7000 is 5000 favorable, then 9500 minus 5000, 4000, 9500, 9500 आपका क्या था, 9500 एडवर्स था आपका, दिस इज एडवर्स, 9500 एडवर्स प्लस 5000 एडवर्स इज 14500 एडवर्स, ये क्लियर हुआ था बोलो। हमेशा मैंने आपको क्या सिखाया था क्रैश कोर्स के टाइम पे भी, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल मार्जिन, वो वेरी सिस्टमेटिक, कैसा भी क्वेश्चन देने दो करके, वी विल सॉल्व एज पर द डीकेसी फॉर्मेट, हमको किस पे सॉल्व करना है, इन डीकेसी, इट मींस योर बजटेड मार्जिन एंड दिस इज योर एक्चुअल मार्जिन, आपको क्या आ जाएगा, वेरियंसेस, बराबर है। अब जो वेरियंसेज है उसको दो में डिवाइड किया, वॉल्यूम एंड प्राइस, वॉल्यूम को दो में डिवाइड किया, सब वॉल्यूम और क्वांटिटी और मिक्स, मिक्स आपको दे ही रखा है बराबर, ये मिक्स वेरियंसेज इंडिविजुअल दे रखा है, ये आपको जीरो दे रखा है, इसका मतलब वॉल्यूम आपका मिक्स वाला ही आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे जीरो है, और ये आपको दे ही रखा है, इसको दोनों को ऐड किया, दिस प्लस दिस आपका ये आ गया, दिस प्लस दिस आपका ये आ गया, दिस प्लस दिस आपका ये आ गया, दिस प्लस दिस आपका, नाउ व्हाट इज योर एक्चुअल मार्जिन, व्हाट इज योर एक्चुअल मार्जिन, व्हाट इज योर बजटेड, अब बजटेड मार्जिन क्या होगा, रिफर योर नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, तो पहले क्या था कि मतलब जब एग्जाम में पूछा था और मॉड्यूल में भी दे रखा, तो ये दे ही नहीं रखा था कि एज्यूम सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरियंसेस जीरो, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाता था, तो मैंने वो भी करके दिखाया था, आप मेरे पास वीडियोज रेफर करोगे यूट्यूब पे डले हुए, वो भी करके दिखाया था राइट, यहाँ पे तो आपको सिंपल है, आपको दे ही रखा है जीरो, तो जीरो दे रखा है, ये आपका जीरो दे रखा है बराबर, ये आपका जीरो है, ये आपको है, तो आपको क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, और ये आपको प्राइस आ गया, तो ये आपका मिलके क्या आ गया, वेरियंस आ गया। अब आपको चाहिए बजटेड मार्जिन राइट, तो दिस इज योर नोट नंबर टू, ए बी सी डी, दिस इज योर बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट इक्वल टू बजटेड मार्जिन, बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट इक्वल टू बजटेड मार्जिन, बजटेड सेल्स हमारे पास दे रखा था 685 फॉर ए, 530,000 फॉर बी, 580,000 फॉर सी, 630,000 फॉर डी, बजटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट अपन को दे रखा है 582,250, देन 450,000, देन 493,000 एंड देन 535,500, इट मीन्स आपका बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा योर 685 माइनस 582,250, 1,02,250, ये आपका आ गया बजटेड प्रॉफिट 1,02,250, ओके, देन 530,450 इज 80,000 राइट, 530,000 माइनस आपका जो कॉस्ट है 450,500, दिस इज 580 less 493 is 87,000 and then
6:30 less 5:35 is आपको दे रखा है 535 500. This is your 535 and 500. So 6:30 less 535.5 and this comes to 94,500. ये आपका आ गया, आपका क्या आ गया फ्रेंड्स, बजटेड प्रॉफिट. बजटेड प्रॉफिट मीन्स योर बजटेड सेल्स, योर बजटेड सेल्स माइनस योर बजटेड कॉस्ट. व्हाट इज द बजटेड प्रॉफिट? योर बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट. ये आपका आ गया 102,250, 79,500, 87 and 94,500. ओके, दिस कम्स टू 102,250, 79,500, 87,000 and 94,500. ये अपन ने जो निकाला हुआ ये चारों 1079 9. अब आप आ जाइए, आपके पास है 102,250, दिस इज योर बजटेड आपको मार्जिन है. और आप बोलो कि मुझे बजटेड से कम मिला है, 4750 कम मिला है, बराबर. इसका मतलब आपको एक्चुअल में मिला होगा, आपको एक्चुअल में कितना मिला होगा, 102,250 माइनस 4750 आपको एक्चुअल में मिला होगा. आपको एक्चुअल में कितना मिला होगा वो आपको पता करना है, राइट. 102,250 आप बोल रहे हैं, राइट, 102,250. और आप बोलो 10,750 आपका सेल्स मार्जिन मिक्स है और प्राइस है आपका 6,000 फेवरेबल. 10,750 माइनस 6,000 इज 4,750. तो 102,250 माइनस 4,750 एंड दिस कम्स टू योर 6,85,000, 6,85,000 minus 582,250 is 1,02,750 होगा ये ना, 1,02,750 and this comes to 1,02,750 आपका था. ओके, सो 1,02,750 और आप बोल रहे हो कि मुझे लॉस हुआ है 4,750 का. 1,02,750 और आप बोल रहे हो मुझे लॉस हुआ है 4,750 का. इसका मतलब एक्चुअल मार्जिन रहा होगा 98,000. 79,500 आपने सोचा था, 79,500 आपने सोचा था और आप बोल रहे हो 2,500 का लॉस हुआ, माइनस 2,500 इज 77,000. 87,000 और 5,000 फेवरेबल है, इसका मतलब आपको हुआ होगा 92 का प्रॉफिट. द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल कि यू कैन वेरीफाई योर आंसर. 92,94,500 और लॉस हुआ है 14,500, तो एक्चुअल आपको प्रॉफिट हुआ होगा से 80,000. एक्चुअल प्रॉफिट आपको रहा होगा 80,000. परफेक्टली क्लियर होगा बजटेड मार्जिन, एक्चुअल मार्जिन और आपका क्या आ जाएगा वेरिएंस. तो ये आपका हो गया आंसर नंबर वन का सेकंड पार्ट. इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर वन और उसका सेकंड पार्ट, बजटेड मार्जिन नोट नंबर टू. सही है सुनो. नाउ फाइंड आउट हुज परफॉर्मेंस इज द बेस्ट टेकिंग थ्री रिलेवेंट बेस फैक्टर्स. थ्री रिलेवेंट बेस फैक्टर लेके आपको ये बताना है कि किसका परफॉर्मेंस बराबर था, बराबर बेस्ट था. ओके, सो दिस इज योर आंसर नंबर टू. ओके, कैसे करेंगे? इट मींस
This is your statement showing performance evaluation. Performance evaluation of journal sales officer. Performance evaluation of journal sales officers, right? This is your A, B, C, and D. So yes, मुझे थोड़ा सा प्लेस और ले लेते ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ओके. टारगेट सेल्स रेशियो पहला है आपका, टारगेट sales ratio, it means your actual sales upon target sales into 100. कि आपने क्या सेल्स सोचा था और आपको क्या सेल मिला है वो आपको निकालना है. अच्छा अब देखो, आपने सोचा था 685 जबकि एक्चुअल सेल्स आया 680, तो एक अपन ऐसे भी देख सकते हैं 680 आया और सोचा था 685 आएगा इनटू 100. आपने सोचा था 530 आया 540, 540 अपॉन 530 इनटू 100. आपने सोचा था 580 आ गया 592 अपॉन 580 into 100, 645 upon 630 into 100. So yes, it means 680 divided by 685 into 100 is 99.27. Then 540 divided by 530 into 100 is 101.89%. Then 580 into 100 is 102.07. Then 645 divided by 630 into 100 is 102.38. अगर अपन को चारों में रैंक देना है, सबसे बेस्ट अपन का ये रहा, सेकंड बेस्ट आपका ये रहा, थर्ड बेस्ट आपका बी रहा, एंड लास्ट आपका ये रहा. रैंक आपको देना कि भाई एक तो अपन ये देख लेते हैं हमने क्या सेल्स सोचा था. हमने सोचा था ये सेल्स, राइट, 685 सोचा था, 680 इट मींस इसने तो 99% ही सेल किया ऑफ द बजट. इसने 101, इसने 102, इसने 102.3, सबसे बेस्ट ये रहा, उसके बाद ये रहा, इसके बाद ये रहा, इसके बाद. तो एक अगर क्राइटेरिया अगर अपना ये रहता सेल्स टारगेट रेट, टारगेट सेल्स रेशियो का, तो सबसे बेस्ट आपका ये रहा और सेकेंड बेस्ट आपका ये रहा, थर्ड बेस्ट आपका ये रहा, फोर्थ आपका ये रहा. अब आ जाइए आप, दिस इज योर ए बी सी डी. अब क्या बोल रहे हैं, मार्जिन अप्रोच, एक्चुअल मार्जिन. एक्चुअल मार्जिन किसने सबसे ज्यादा कमाया, एक्चुअल मार्जिन, बेस्ट मार्जिन किसने कमाया है. ओके, अब एक्चुअल मार्जिन आप देख लीजिए मार्जिन टेबल से,
इसने कमाया 98,000, इसने कमाया 77,000 एंड 92,000 एंड 80,000 एंड देन रैंक. ओके, आप रैंक दे दीजिए. ओके, दिस इज द फर्स्ट रैंक, दिस इज द सेकेंड रैंक, दिस इज द थर्ड रैंक एंड दिस इज द फोर्थ रैंक. ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल मार्क्स. परफेक्टली क्लियर है, रैंक 1, 2, 3, 4. एक्चुअल मार्जिन के बेसिस पे भी अपन दे सकते हैं. सबसे बेस्ट मार्जिन इसने कमाया है, इससे कम इसने कमाया है, इससे कम इसने कमाया है, और इससे सबसे बेकार इसने कमाया है. अब आप आ जाइए थर्ड, और अपन कहते हैं मार्जिन वर्सेज सेल्स रेशियो. ओके, इसका मतलब आपने बजटेड मार्जिन कितना सोचा था और आपका एक्चुअल मार्जिन कितना हुआ है, राइट. इट मीन्स बजटेड मार्जिन सेल्स, दिस इज योर, और एक क्राइटेरिया अपन क्या फिक्स कर सकते हैं, दिस इज ए बी सी डी. इट मीन्स योर बजटेड मार्जिन अपॉन बजटेड सेल्स इनटू 100 एंड दिस इज योर एक्चुअल मार्जिन अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100. अब आपका बजटेड मार्जिन क्या था, 102,750, 79,580, 7,094,500. जबकि एक्चुअल प्रॉफिट है 98,877,92,80. सही आंसर. अब आपका सेल्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स बजटेड सेल्स 685,530,580,630. जबकि आपका एक्चुअल सेल्स है 680 then 540 then 592 then 640 then 200 then 200 then 200 then 200 then 200 then 200. पहला आपका आ जाएगा 102,750 / 685 = 15% प्रॉफिट. 795,530 इट मीन्स 15% प्रॉफिट. 87,580 15% प्रॉफिट. 94,500 6,30,000 15% प्रॉफिट. जबकि एक्चुअल आया 98,000 / 6,80 × 100 इज 14.41%. ओके, देन 77,000 / 5,40 × 100 is 14.25%. 92,000 / 592 × 100 is 15.54%. Then 80,000 / 645 × 100 is 12.40%. आपने क्या सोचा था, 15 आया कितना है, 14.44, 15 आया कितना है, 14.25, 15 आया कितना है, ये सोचा था, ये आया कितना. तो सबसे बेस्ट आपका क्या रहेगा, सबसे बेस्ट आपका रहा ये.
सेकेंड बेस्ट आपका रहा ये, थर्ड बेस्ट आपका रहा ये, एंड लास्ट ये रहा। सही है सर। क्या बजटेड प्रॉफिट आपने सोचा था और क्या आपका? अब देखो सबसे फर्स्ट आपका ये आ रहा है सी, ओके यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है ये सी, यहाँ पे सी सेकेंड आ रहा है और यहाँ पे भी सी सेकेंड आ रहा है। तो सबसे जो बेस्ट रहेगा आपका कंपैरिजन में, यहाँ पे वन ये फर्स्ट आ रहा है लेकिन यहाँ फोर्थ आ रहा है तो बेकार हो गया, यहाँ पे थर्ड सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब सबसे जो टॉप है आपका सी में, अगर आप देखेंगे सी में आपका आ रहा है राइट, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन में यहाँ पे सेकेंड आ रहा है, यहाँ पे सेकेंड आ रहा है और यहाँ पे वन आ रहा है। तो सबसे जो बेस्ट रहेगा वो आपका क्या रहेगा? सी। कमेंट एंड एनालिसिस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द फोर जोनल सेल्स ऑफिसर बेस्ड ऑन थ्री फैक्टर्स, द परफॉर्मेंस ऑफ सी इज द बेस्ट, क्योंकि सी का सबसे बेस्ट आ रहा है फर्स्ट सेकेंड सेकेंड। अगर आप देखेंगे तो सी का यहाँ फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे सेकेंड आ रहा है सी, यहाँ पे सेकेंड आ रहा है। अगर इसमें देखेंगे इसका डी का फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे थर्ड आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ आ रहा है, तो डी भी बेकार हो गया। अब ए का देखें तो यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ आ रहा है, तो बेकार हो गया ओके। और यहाँ पे बी में अगर अपन देखें थर्ड आ रहा है तो भी ये बेकार। तो सबसे बेस्ट अपना कौन सा रहा? नीचे सी, क्योंकि वो फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड आ रहा है। तो रैंक के हिसाब से सबसे बेस्ट क्या रहेगा आपका? सी है। सही आंसर, परफेक्टली क्लियर।